वामपंथियों के 34 साल के राज को खत्म कर 2011 में बंगाल की सत्ता पाने वाली ममता बनर्जी के करीब 25 विधायक ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल हैं। पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा कोलकाता हाईकोर्ट का नया आदेश बन गया है। वहीं 2017 में कोलकाता के एक वकील विलप रॉय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसमें ममता के सबसे खास कहे जाने वाले और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का भी नाम है। आपको बता दें, विपल रॉय चौधरी की याचिका का 5 साल से निपटारा नहीं हुआ। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ और 5 किलो सोना मिलने के बाद चौधरी फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट में पार्थ से मिले कैश के विजुअल दिखाए और कहा कि 19 विधायकों की प्रॉपर्टी की जाँच भी जल्दी होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका एस्टेट कर ईडी को जांच में शामिल करने की बात कही। ईडी से इस बारे में 12 सितंबर तक जवाब भी मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।